कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन घोषित है, ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। जगदलपुर में एक व्यक्ति की किडनी फेल होने की वजह से मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजनों के न पहुंचने पर प्रशासन ने पूरे विधि विधान से शव का अंतिम संस्कार किया। कोरोना वायरस पूरे देश के लिए अभिशाप बनकर सामने आया है। एक तरफ जहां इस वायरस की वजह से पूरे देश में किए गए लॉकडाउन से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन में ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिसने मानव जाति को झकझोर कर रख दिया है। ऐसा ही एक मामला जगदलपुर में सामने आया है, जहां सुकमा जिले में यूनिफेव इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में सुपरवाइजर का काम करने वाले रधीर कुमार की किडनी फेल होने और पीलिया की वजह से मौत हो गई। लॉकडाउन की वजह से रधीर के पार्थिव शरीर को उसके गृह ग्राम नहीं भेजा जा सका और न ही उसके परिवार वाले शव को लेने आ सके। लिहाजा बस्तर पुलिस ने विधि विधान के साथ रधीर के शव का अंतिम संस्कार किया और वीडियो कॉलिंग के जरिए परिवार वालों को पूरी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया दिखाई। जगदलपुर के CSP हेम सागर सिदार ने शव को मुखाग्नि दी। CSP ने बताया कि लॉकडाउन हटने के बाद परिजनों को अस्थि सौंपी जाएगी। CSP ने कहा कि कंपनी के ठेकेदार और पुलिस विभाग द्वारा परिजनों की मदद की जाएगी। मृतक के अंत्योष्टि के दौरान पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ समेत पूरे भारत में जो है कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जो है लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, और इस बीच में जो है नालंदा बिहार क्षेत्र से एक मजदूर काम करने के लिए दक्षिण बस्तर में आए हुए थे रणधीर सिंह, और काम के दौरान जो है बीमारी की वजह से जो है इनकी मृत्यु हो गई। और जो है चूँकि इनका घर बिहार नालंदा है और लॉकडाउन की वजह से जो है इनके परिवार वालों का जो है यहाँ पर पहुँच पाना संभव नहीं हो पाया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।